हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अशोक यादव, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो था अपना राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के लोक नृत्य, जिसके दो टॉपिक हो चुका है। आज ये लास्ट टॉपिक है, थर्ड पार्ट है। उसमें पिछले टॉपिक में, पिछले क्लास जो लगी थी उसमें भील और गरेसिया जनजाति के लोक नृत्य हो गए थे। अब जो बाकी के बचे हैं जो इस क्लास में करेंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। पहली है कंजर जाति। कौन सी है? कंजर जाति। ये कंजर जाति है ना, जो अपने राजस्थान के जो हाड़ती क्षेत्र है ना उसमें निवास करती है। इसका जो पहला नृत्य है दाखड़। कौन सा है? दाखड़ नृत्य। इसके बारे में क्या है? यह है युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह है एक युगल नृत्य है। कैसा है? युगल नृत्य है। इसे जालापाव व इसे जालापाव व बीरा के मध्य हुए युद्ध में जालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है। यह युगल नृत्य है। इसे जालापाव बीरा के मध्य हुए युद्ध में जालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है। ठीक है, अब है अगला, दूसरा है नंबर दो, लाठी नृत्य। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, हाथ में लाठी लेकर किया जाता है। यह है केवल यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नंबर तीन, चक्री नृत्य। यह है, यह नृत्य है ना, जो कंजर जाति के जो अविवाहित कन्याएं होती है ना उनके द्वारा किया जाता है।
यह है नरते कंजर जाति की कन्याओं द्वारा किया जाता है। कंजर जाति की कन्याओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? कंजर जाति की कन्याएं द्वारा, और वो भी कौन से? अविवाहित कन्याओं द्वारा। और इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन सा है? वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र इसमें ढोल, दूसरा है नंगाड़ा और तीसरा है मंजीरा। कौन कौन से हैं वाद्य यंत्र इसमें चक्री नृत्य में? ये तो ढोल है, नंगाड़ा और मंजीरा। अब देखो इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं, और मैंने ट्रिक बना रखी है तो इसमें सुन लो वो भी ट्रिक कौन सी है। ये कौन सी जाति है? कंजर जाति। जो कंजर जाति के लोग होते हैं कैसे होते हैं? धाकड़ होते हैं, और धाकड़ होते हैं और अपने हाथ में क्या रखते हैं? लाठी रखते हैं। और जो कंजर जाति के जो मकान बनाते हैं ना अपने मकान, उसके पीछे एक दरवाज़ा रखते हैं। जब कोई अपराध कर देते हैं, जो इनको पकड़ने पुलिस आती है, तो वो पीछे वाले दरवाजे से चक्री हो जाते हैं, चक्री हो जाते हैं। कहने का मतलब चक्री से चक्री नृत्य, ये उसकी ट्रिक है। आप अपने हिसाब से और देख लेना, ये लगे तो इसको भी अपना लेना। चलो इसको उतार लो। ये हो गया अपने कंजर जाति के प्रमुख लोग नृत्य, इसको उतार लो। और राजस्थान पुलिस की डेट भी आ चुकी है 6, 7 और 8, और ये 6 पारियों में लगेगी। दिसंबर में है, नवंबर में आ, नवंबर में 6 पारियों में लगेगी ये। ठीक है, कर दूँ साहब। अब अगली जाति आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब है मेव जाति। कौन सी? मेव जाति। और ये मेव जाति होती किस में है? ये मेव जाति है ना, ये मेव जाति होती है मुसलमानों में। किस में होती है? मुसलमानों में। और ये मेव जाति है ना, सबसे ज़्यादा निवास कौन से क्षेत्र में करती है? ये है निवास क्षेत्र। कौन कौन सा है? एक तो है अलवर, दूसरा है भरतपुर। ठीक है, इन दो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये मेव जाति निवास करती है। तो ये क्षेत्र क्या कहने लगे? मेव क्षेत्र या मेवात क्षेत्र। इन दो जिलों में इनकी ज़्यादा बहुमूल्य संख्या है, तो इसी के कारण इस क्षेत्र का नाम मेवात क्षेत्र पड़ गया। अब इसके कौन कौन से नृत्य हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है रतवई,
कौन सा है? रत्वई नृत्य। इसमें क्या है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। ये कौन सा रत भाई? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह है नृत्य। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा। कब किया जाता है ये नृत्य? जब अपनी जो फसल होती है ना, फसल पक के तैयार हो जाती है, तो उसकी खुशी में किया जाता है ये नृत्य। अब है दूसरा, अगला रणबाजा। कौन सा? रणबाजा। यह एक युगल नृत्य है। युगल का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। यह है युगल। युगल का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। यह है युगल नृत्य है। यह एक युगल नृत्य है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा इसमें? और इसमें पुरुष क्या करते हैं? महिला इसमें वो डांस करती है, नृत्य करती है, और पुरुष इसमें वो जो वाद्य यंत्र होता है उनको बजाते हैं। और वाद्य यंत्र कौन कौन सा है? अलगोजा या टामक। ये दो यंत्र हैं जो पुरुषों के द्वारा बजाए जाते हैं ये नृत्य करते समय। ये हो गया अपना मेव जाति के नृत्य। लिख लो, उतार लो इनको। अब है अपना अगला खतौड़ी। कौन सी है? खतौड़ी जाति। यह है मूलत है। यह है मूलतः महाराष्ट्र की है। ये जाति वैसे मूलतः कहाँ की है? महाराष्ट्र राज्य की है। राज्य में खत्ता का काम करने पर खतौड़ी कहलाई। राज्य में खत्ता का काम करने पर खतौड़ी कहलाई। इसके दो नृत्य है। पहला है
मावल्या नृत्य। कौन सा है? मावल्या नृत्य। ये मावल्या नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और ये जो नवरात्र होते हैं 9 दिनों तक किया जाता है, वो भी रात के समय में किया जाता है। यह है नृत्य। यह है नृत्य पुरुषों के द्वारा। यह है नृत्य पुरुषों के द्वारा। नवरात्रि के दिनों। नवरात्रि के दिनों रात में किया जाता है। कब? रात में। रात में किया जाता है। याद रखना, यह पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में यानी 9 दिनों तक किया जाता है रात को। अब दूसरा है होली नृत्य। होली नृत्य यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पे किया जाता है। और जब ये महिलाएं नृत्य करती है ना, तो पिरामिड का निर्माण करती है। ठीक है, यह है नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। तथा महिलाएं तथा महिलाएं नृत्य करते समय नृत्य करते समय पिरामिड बनाती है। क्या बनाती है? पिरामिड। तथा महिलाएं फड़का साड़ी, फड़का साड़ी पहनकर यह नृत्य करती है। कौन सी साड़ी? फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती है। फड़का साड़ी होती क्या है? फड़का साड़ी एक महाराष्ट्र में महिलाओं के द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है, उसी के अनुसार ये जो आदिवासी जो महिलाएं हैं, जो कंजर खतौड़ी जाति की जो महिलाएं हैं, उन्हीं के अनुसार साड़ी पहनती है, उसी को फड़का साड़ी कहते हैं। यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है तथा महिलाएं नृत्य करते समय पिरामिड बनाती है, निर्माण करती है, तथा ये फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती है। ये हो गया अपने खतौड़ी जाति के नृत्य। इसमें दो ही है और दोनों हो गए, उतार लो इसको। जो नहीं समझ में आए पूछ लेना, और साथ ही साथ उसको अपने जो फेयर कॉपी है इसमें उतारते चलना, ताकि अपने बाद में काम आती रहे। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देना। अब अगला है अपना कालबेलियाई। कालबेलिया नरते या कालबेलिया जाति के नरते। कौन जाति है? कालबेलिया जाति। अब इसका पहला है इडोनी नरते। कौन सा है? इडोनी नरते। इडोनी का अर्थ होता है इंडी, जो अपने जो सिर पर महिलाएं रखकर जो मटका रख लाती है ना, उसको बोलते हैं इंडी। यह एक युगल नृत्य है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, दोनों के द्वारा किया जाता है। यह स्त्री व यह स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है? जब यह नृत्य किया जाता है तो वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें पुंगी या कंजरी, पुंजी पुंगी या कंजरी। और यह है घेरा बनाकर किया जाता है। बनाकर किया जाता है। ठीक है, इंडोनी का अर्थ है क्या है? इंडी। कौन है? इसका अर्थ है इंडी। ठीक है, ये हो गया अपना इंडोनी नृत्य। अब अगला संकरिया नृत्य। कौन सा? संकरिया नृत्य। यह एक युगल नृत्य है। यह है एक युगल का मतलब समझ जाना, स्त्री और पुरुष दोनों। यह एक युगल नृत्य है। यह एक युगल नृत्य है जो प्रेम प्रसंग कहानी पर आधारित है। प्रेम प्रसंग कहानी पर आधारित है।
इस नृत्य में क्या है, एक काली काली बेली होती है और एक काली बेलन होती है, जो अपनी एक दूसरे का अपने जो प्रेम होता है उसका प्रदर्शित करते हैं इस नृत्य में। ठीक है, अब है अगला तीसरा। अब तीसरा है बागड़िया। बागड़ी नृत्य यह केवल महिला द्वारा किया जाता है और यह नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रखा है कि कौन सा नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है, और वह है बागड़िया नृत्य। यह है नृत्य महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। कौन सा नृत्य है? बागड़ी नृत्य, और केवल महिला द्वारा किया जाता है ये। अब अगला है नंबर चार। छोड़ो नृत्य, यह है युगल नृत्य है, बस इसमें इतना ही लिखना है। यह युगल नृत्य है, उतार लो। नोट्स बनाते जानना आती बात, ताकि बाद में काम आते, कोई भूल चूक हो जाए तो बाद में दे के याद कर सको। नंबर पांच। नंबर पांच है पणिहारी नृत्य। कौन सा है? पणिहारी पणिहारी नृत्य। यह एक युगल नृत्य है, यानी कहने का मतलब स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें महिलाएं क्या करती है, इसमें पणिहारी गीत गाते हुए नृत्य करती है। यह है स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाएं पणिहारी पणिहारी गीत गाते हुए नृत्य करती है। कौन सा गीत गाती है? पणिहारी गीत। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया गाया जाता है। ये हो गया अपने कालबेलिया जाति के नृत्य। अब है अपने अगला है शहरिया जाति के नृत्य। जाति के
नृत्य, शेरा जाति के नृत्य। पहला कौन सा इसमें? शिकारी नृत्य। चलो मैं अभी पहले इसकी ट्रिक लिखा देता हूँ। ट्रिक कौन सी? शहर का शिकारी परी के लिए जेला और लहंगा लाया। क्या ट्रिक इसकी? शहर का शिकारी परी के लिए जेला और लहंगा लाया। शहर का मतलब शहरिया जाति, शिकारी से शिकारी नृत्य, परी से इंद्रपरी, जेला से जेला नृत्य, लहंगा से लहंगा पड़ते नृत्य। पहला है इसका शिकारी नृत्य। कौन सा है? शिकारी नृत्य। यह है एक युगल नृत्य है। यह एक युगल नृत्य है, ठीक है। जब यह नृत्य किया जाता है ना स्त्री पुरुष के द्वारा, तो इसमें ऐसा लगता है कि युद्ध शिकार करते समय यह नृत्य किया जाता है। अब दूसरा है शहर का शिकारी इंद्रपरी, परी से इंद्रपरी। यह है नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब अगला है अपना, ये रह गया और ये रह गया, जेला से जेला नृत्य नंबर 3। ये भी क्या है? ये भी नृत्य क्या है? सेम है, मतलब यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब अगला है नंबर 4, लहंगा नृत्य। ये भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। डॉट डॉट जो किया ना, जो ये है ना, इन तीनों में दोनों में यही है, यानी ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये ट्रिक हो गई, शहर का शिकारी परी के लिए जेला और लहंगा लाया, शिकारी नृत्य, जेला नृत्य, लहंगा नृत्य और परी से इंद्र परी। मैं इनके वो लगा देता हूँ कौन कौन से हैं वो नृत्य, ये 4 नृत्य हैं, ठीक है। अब है अपना अगला जाति के नृत्य, उतार लो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ऐसे नहीं देख के ही बंद कर दो।
अब है अपना अगला है मीणा। मीणा जाति के नृत्य। कौन से हैं? मीणा जाति के नृत्य। अब इसका पहला है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, बस नाम का, इनका नाम याद रखना है कि कौन कौन सा नृत्य है। पहला है नेजा नृत्य और रशिया नृत्य। कौन कौन सा है याद रखना? नेजा नृत्य भी लोवे में किया जाता है और मीणाओं में भी किया जाता है। ये दो नृत्य इनके, नेजा और रशिया नृत्य। बस इनका नाम याद रखना है कि कौन कौन से नृत्य हैं, बाकी डिटेल कुछ नहीं है इनकी। अब है अगला गुर्जर जाति के। नृत्य गुर्जर जाति के नृत्य हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक इनका चरी नृत्य। कौन सा है? जो पीतल या स्टील के जो पात्र होते हैं उनको बोलते हैं चरी। जो पात्र, जो महिला इसमें क्या करती है, उसमें आग जलाकर अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। यह गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह गुज्जर महिलाओं के, महिला द्वारों के द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका कि इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। पलकुबाई। फलकुबाई जो कहाँ की है? किशनगढ़ की। याद रखना एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। बस इसका यही नृत्य, एक नृत्य चली नृत्य। अब है अगला मीणा हो गया। अब बंजारा, बंजारों का नृत्य। बंजारा जाति के नृत्य। इसका एक ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसका है मछली नृत्य। ठीक है, कौन सा है? मछली नृत्य। इसमें क्या है, जब इसकी शुरुआत की जाती है ना, उसके हर्षोल्लास के साथ की जाती है। जब इसका, और जब इसका जो अंत होता है ना, बड़ा ही दुखद होता है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह है नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रारंभ हर्षोल्लास से किया जाता है। लेकिन
अंत दुखत होता है। ठीक है, ये हो गया मथली नृत्य। अब अपना लास्ट बच गया वह है भोपो का नृत्य। इसमें भी बस उसी का नाम याद रखना है कौन सा नृत्य है। इसका एक ही है, पहले तो इसका नाम था पढ़ है, लेकिन इसको जो नाम बिगाड़ के अपभ्रंश हो गया इसका फड़ है, फड़ नृत्य, पढ़े या फड़ नृत्य। इसके बारे में कुछ ज़्यादा मस्त इसे नाम याद रखना। ठीक है, ये अपना टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है, जो राजस्थान की जनजातियों के लोग नृत्य थे, या आज पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे उसके साथ मिलेंगे अब तब तक। और हाँ एक बात और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।